नमस्कार, मैं जहांगीर आलम फिर आप लोगों के समक्ष कुछ नई समस्याएं, कुछ नए मुद्दों को लेकर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 समाप्त हो चुका है। इनके प्रत्याशियों के हार जीत के परिणाम भी आ चुके हैं और नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों, चुनावें होती रहेंगी, प्रत्याशियों के हार जीत भी होते रहेंगे और सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस दौरान जनता को जो राजनेताओं द्वारा लॉलीपॉप थमाया जाता है उसमें मिठास कभी नहीं आती। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम भारतीय जनता पार्टी के कुलटी मंडल के मोर्चा के साथ कुछ बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आप इस न्यूज़ को देखकर सहज ही निर्णय ले सकते हैं कि जनता के दिलों में कितने अरमान होते हैं, कितनी आस होती है उन्हें नई सरकार से, और वो किस आस के साथ ये मतदान करते हैं कि हमारे आने वाले सरकार, नई सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। लेकिन देखा जाता है दर साल सरकारें बदलती हैं, जनता की समस्याएं नहीं बदलती। आसनसोल लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हो गया है और हम लोगों ने देखा कि इस इलेक्शन में बाबुल सुप्रियो बहुत ज़्यादा वोट से जीते हैं। उनको भी उम्मीद नहीं था कि वो इतने वोट से जीतेंगे, लेकिन उनको जिताने में जिन लोगों का हाथ था, आज आइए ऐसी एक टीम से आप लोग को मिलाते हैं जो एक महिला की टीम है, और इन लोगों ने घर घर जाकर मोदी जी के लिए, बाबू जी के लिए वोट मांगे। आज उनसे बात करते कि अब तो उन लोगों ने बाबुल सुप्रियो को जिता दिया है, मोदी जी की सरकार बन गई है, अब उनके जो प्रॉब्लम है, जो उनके मसला है, वो कैसे हल होंगे, आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम रेखा देवी है, हम चिनाकुड़ी से आए हैं। अच्छा, आप लोग को उम्मीद था कि इतने वोट से जीतेंगे बाबू जी? हाँ, उम्मीद था, क्योंकि यहाँ बहुत जोर शोर से हम लोग का, बीजेपी का जितने भी थे कार्यकर्ता, हम लोग पूरा जोर लगा दिए थे कि जिताना है, मोदी जी को लाना है, तो पूरा उम्मीद। आपका नाम क्या हुआ? गीता देवी। अच्छा, क्या लगता है बाबू सुप्रियो जीत गए, अब उनसे क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद है कि यहाँ मैंने कोई मैंने अच्छा काम हो। इतना दिन से तो सब कुछ बंद था बंगाल में, हम महिला लोग के लिए कुछ नहीं था, ना बच्चा लोग के लिए पढ़ाई लिखाई था। इसमें भेदभाव हो रहा कि वो ब्राह्मण का बच्चा है तो उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, ऐसे कर करके मैंने हम लोग बहुत यहाँ कष्ट हो रहा। इसीलिए मोदी जी से हम लोग को रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए, मंत्री भी अच्छा दें यहाँ पर, कि हम लोग महिला की सुरक्षा हो और सब कुछ सुरक्षा हो और आगे बढ़े हम लोग। चलिए, आपका नाम क्या हो मैडम? नमस्कार, मेरा नाम तनुजा सिन्हा है। अच्छा, ये जो पूरी टीम है, आप लोग किस तरह मेहनत करते थे इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से पहले बाबूदा को जिताने के लिए? हाँ, हम लोग तो किए बहुत मेहनत, और मेहनत मेरे सारे पूरे टीम का ही हाथ है, अकेले मेरा ही नहीं है। अगर ये लोग मेरा साथ नहीं देते तो इतना मतलब हम प्रचार नहीं कर सकते, इतना आगे बढ़ नहीं सकते। तो इन लोग पहले तो अपने बहनों को धन्यवाद देते हैं हमारे साथ देने के लिए और यहाँ पर आने के लिए भी। और आप लोगों को रूटीन में क्या था, कैसे आप लोगों को समझाते थे वोट देना है बीजेपी को? देखिए, रूटीन है कि पहले बात तो कि मोदी जी का ही प्रभाव था, मोदी जी का हवा था, लहर था, सुनामी था, जो भी बोलिए, लेकिन उन लोगों को यह भी समझ में आ गया था कि हमारे देश हित के लिए मोदी जी को रहना जरूरी है। हम लोग समझाए तो, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कि खुद ही समझ करके हम लोग को जवाब भी दे देती थी कि नहीं नहीं दीदी, आप ठीक बोल रही हैं, हम लोग को मोदी जी को लाना है। हर समाज के लोग, एक ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू या बिहारी या बंगाली नहीं, हर समाज के लोगों के दरवाजे पर गए हैं, तो निराशा हाथ नहीं लगे। इलेक्शन से पहले आप लोग उम्मीद था कि इतने वोटों से जीत जाएंगे बाबू? उम्मीद तो था। हाँ, उम्मीद तो पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था देश में ऐसा कि काम हुआ है, देश में ऐसा हम लोग को विश्वास था इतने वोट से जीतेंगे 2 लाख, एकदम पूरा विश्वास था, बहुत ज्यादा लीड देगी। हाँ, विश्वास। अच्छा, आपकी जो ये टीम है महिलाओं की, इसमें कहाँ कहाँ के लोग शामिल है? यहाँ तो चिनाकुड़ी की है, ब्रह्मचारी की है, लाइन पार हुई, नया पड़ा हुए झुनुट की महिला है। हाँ, ये चिनाकुड़ी दो नंबर की महिला है। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम उषा देवी है। अच्छा, अब तो बाबुलदा जीता तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहले से जिताने का उम्मीद था कि बाबुलदा जीतेगा तो हम लोग का बहुत कुछ करेगा, और हम लोग पूरा कोशिश किए कि बाबुलदा यहाँ आए। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं कि बहुत कुछ करेगा, आपको क्या उम्मीद है बाबुलदा, और क्या करे आप लोग के लिए? लेडीज का क्या प्रॉब्लम दिखाई देता है? लेडीज का बहुत प्रॉब्लम है, लेडीज का बच्चा लोग का पढ़ाना है, लेडीज का अपना प्रॉब्लम है, पति लोग का रहते हुए लेडीज लोग का अभी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, घर द्वार मतलब बनाना है, बच्चा लोग का पढ़ाना है, महिलाओं का रोजगार मिले उसके लिए। हाँ, कुछ ऐसे कुछ फैक्ट्री लगे जहाँ पर रोजगार हो। अरे बहुत महिला ऐसा है कि जब
अपना रोजी रोटी अपना खुद बच्चा को देख सकता है। बहुत महिला ऐसा है कि उनको पति नहीं है, अपना कष्ट कर रहा है, फिर भी पूर्ति नहीं हो रहा। बच्चा लोग का अभी सबसे तो बेसी ज्यादा है कि बच्चा लोग का। नमस्ते, मेरा नाम मंजू ठाकुर है। अच्छा, मैं देवी मंदिर पास में रहती हूँ। अच्छा, बाबूलदा जब जीते तो सुन के कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा ही लगा। अच्छा लगा। अब उससे क्या उम्मीद है? उनसे उम्मीदें यही है कि जो गरीब है, जो बाल जिनका बाल बच्चा नहीं पढ़ सका, उनको कुछ मतलब पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ फैसिलिटी मिले। और जो महिला लोग हैं जिनका घर संसार, उनके लिए कुछ मतलब ऐसा उपाय किए जो फैक्ट्री जो छोटा मोटा करे, जैसे घरेलू लेडीज लोग उसमें बैठ कुछ कर सके। हमार नाम ज्योत्सना बोस। अच्छा। और हमारा एन स्वामी स्त्री हमार हजबैंड जय श्रीराम भगवान दयाते मैं मोदी जीते बाबू सुप्रिया जीते हमें खूब खुशी। किंतु हमें यटाई जानी প্রথম থেকে যখন ভোট আগে আমি জানি যে এবার মোদি জিতবে, নিশ্চয়ই জিতবে। এলাকাটা কি কি প্রবলেম আছে? এলাকাটা প্রবলেম আছে, আমাদের রাস্তাঘাট হয়নি, তারপরে ড্রেন নোংরা পরিষ্কার হচ্ছে না। কত নম্বর ওয়ার্ডে থাকেন আপনি? হ্যাঁ, 61 নম্বর। হ্যাঁ, আচ্ছা। ওখানে এমনি তারপরে রাস্তাঘাটগুলো নোংরা, বৃষ্টি পড়লে পরে, কালকে বৃষ্টি হয়েছে, কাদাতে বেরোনো যাচ্ছে না, কাদা। তারপরে আমাদের ঘর টালির ঘর, তারপরে আমরা আমার হাজবেন্ড সিকিউরিটি গার্ডে কাজ করে, আমরা হেভি গরিব মানুষ। আমি চাই যত গরিব মানুষের একটুখানি আমাদের একটু পাশে এসে দাঁড়ান, আমাদের যেন কেন একটু সাহায্য হয়, এইটুকুই আমরা চাই। আলপনা মাহাতো। আচ্ছা, আপনি থাকেন কোথায়? আমি চিনাকুর্তি থাকি, গ্রামে। আচ্ছা, আপনি যখন এখান থেকে যুক্ত হয়েছেন কেমন লাগছে? ভাল লাগছে। আচ্ছা, এবার আপনি কি চাইছেন? আপনার তো ক্যান্ডিডেট জিতে গেছে, তারপরে কি চাইছেন? আমি চাইছি যে দেখুন, যা আমার পরিস্থিতি আমার বাড়িতে, সেটা কিছু যদি ব্যবস্থা করে দেন তাহলে। কি প্রবলেম আছে বাড়িতে আপনার? আমার বাড়িতে অনেক প্রবলেম আছে, মানে বাড়িতে ভেঙে গেছে, আমি অনেকবার কাগজ ভরেছি, আমার আসেনি কাগজ। কাকে দিয়েছি কাগজ আপনি? আমি মুন্সিপালিটি জমা করেছিলাম। মানে কোনো সাপোর্ট পাইনি আপনি? না, আমি কোনো সাপোর্ট পাইনি। আচ্ছা, এবার আপনার অপেক্ষা কি আছে? অপেক্ষা আছে যে দেখুন, যে জিতেছে মোদী সরকার জিতলো, এবার যদি আমি কিছুটা একটু ব্যবস্থা করে দিই তার জন্য। তো হ্যাঁ, বাড়ির জন্য। কোন জায়গায় থাকেন আপনি? আমি চিনাকুড়ি গ্রামে থাকি। মেরা নাম পূজা দেবী সাহ। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि मेरा प्रॉब्लम है कि हम जैसी महिला, जो कि आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं, अच्छा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है घर में। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा घर परिवार मेरे साथ में नहीं है, हम यहाँ अपने मायके का परिवार के साथ में रहते हैं। प्रॉब्लम है कि मेरा 4 बच्चा है, 3 लड़की 1 लड़का, और सपोर्ट हमको यहाँ का कौंसलर जो पहले के, उनके साथ हम बहुत दिन तक हित में रहें, साथ में रहें, बहुत चेष्टा था, बहुत आशा था कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे, मगर आज तक हमको ऐसा कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। अब जो यहाँ पे हैं उनसे हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही उम्मीद लगा कर रखे हैं और मोर्चा में लगे हुए भी हैं। आशा करते हैं कि हमारे लिए और हमारे जैसे बहुत सी महिला हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ किया जाए जो कि हम जैसे बेसहारा इंसान महिला के लिए अच्छा हो सके। पेंशन जना को इसके में कोई नहीं मिलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ मतलब क्या किया जाए? पेंशन जैसे कि हमारे लिए जो महिला के लिए विधवा पेंशन है, या तो हम लोग जैसे कि कुछ पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ काम वगैरह। हाँ, नॉन पेंशन आप लोग अप्लाई किए थे? पेंशन अप्लाई किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन नहीं, आज 2 साल होने चला है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है। और बल्कि ये बोला जाता है कि जब 40 साल उम्र होता है तब होता है, तो हम लोग जैसे इंसान क्या 40 साल से पहले तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि मेरा पति ना रहे, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। अच्छा बात है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि जो 40 साल से पहले भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपको पेंशन मिल सके, तो उसको पेंशन मिल। अभी आपका फैमिली कैसे चलता है? अभी मेरा फैमिली जैसे हम घर में सिलाई करते हैं, सिलाई सीखे हुए हैं तो सिलाई करते हैं, उसी से हम अपना घर चलाते हैं, बल्कि बच्चा लोग को पढ़ाते भी हैं। तो उस बीच में मेरा पढ़ाने लिखाने में या घर का खर्च चलाने में बहुत तनाव होता है, तो उस तनाव के लिए हमको कुछ ऐसा या तो माध्यम दिया जाए, रोजगार दिया जाए, या तो कहीं हमको शिफ्ट किया जाए, कुछ का नौकरी दिया जाए, ये हम बहुत ज़्यादा ही सहयोग मांगते हैं सरकार से। अभी तो बाबूलदा जीत गए, मंत्री भी हुआ, उनसे क्या आपका डिमांड है? हमारा यही डिमांड है कि जहाँ तक हो सके, और जहाँ तक हम ये नहीं कहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी दीजिए और ऊंचा पोस्ट पे दीजिए, अच्छा पोस्ट पे दीजिए, मगर जहाँ तक हम सकें कुछ दिए कि ताकि मेरे बाल बच्चे, हाँ, उस लायक हमको समझते हुए हमको कुछ ऐसा दिया जाए। अच्छा, आप बोलिए। हम घर का कागज उगज भरें तो हमारा आया ना, आदमी वृद्धा है, काम धंधा नहीं करते हैं, वृद्धा पेंशन के भी भरे तो वो भी कुछ नहीं हुआ।
अभी फैमिली कैसे चलता है आपका? फैमिली हम घर में अपना ठोंगा बना बना कर कैसे कोई सूरत से चलाते हैं। अच्छा, अभी जो सरकार नहीं आई है उसे क्या उम्मीद है आपका? वही वही उम्मीद है जी, थोड़ा हम लोग मदद करें आप क्या, मैंने कम से कम ऐसे कुछ रोजगार करें, हाँ, जिससे रोजगार करें। आप लोग खुद कुछ करके अपने परिवार अपना फैमिली को पाल पोस सके। गोदावरी ठाकुर। अच्छा, अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? प्रिया कॉलोनी में हम रहते हैं, एक नंबर वार्ड में। अच्छा, तो हम लोग का रोड का है ना बहुत प्रॉब्लम होता है सर, इस बरसात आता है ना इतना इतना पानी हो जाता है, तो उससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है रात बिरात में निकलने। अच्छा, तो काउंसिलर कुछ नहीं किया रोड के लिए अभी तक? कुछ नहीं, बादल दा के हम लोग कई बार बोले तो भी ये नहीं किया, मैंने समझदारी नहीं आया उनका कि सारा दुनिया रोड बना दिए तो प्रिया कॉलोनी में भी रोड हम लोग बना सकते, लेकिन नहीं बना दिया। दिक्कत है, दिक्कत बहुत दिक्कत है सर हम लोग। अच्छा, रोड के सवा और प्रॉब्लम है जैसे हम लोग का शरीर इतना तकलीफ होता है, विधवा पेंशन खातिर किए तीन बार चार बार दौड़े, एक बार भी नहीं बना के दिया। अच्छा, अच्छा, अभी जो नई सरकार है उसे क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद है जो भी करेंगे तो हम लोग लिए अच्छे कर देंगे, हम लोग मोदी सरकार जीते तो बहुत खुश है, बाबू सुप्रिया भी जीते तो बहुत खुश है, हम लोग उम्मीद रखे थे मोदी सरकार अभी आए हम लोग के कुछ आप लोग के लिए कुछ काम हो। चलिए, हम प्रिया सिंहवाल। अच्छा, बोलिए तो की प्रॉब्लम है आपका? मैंने अनेक कुछ आसी बोल, मैं आज आशा हो गेला, मैं देखने 8 বছর। अच्छा, तो बाड़ी करी छिन जे बाड़ी जने कोनो असुविधा नहीं, ठीक ही आछे, हमार स्वामी मिठाई दोकान काज करे, छेले एकटा छेले पोड़ा शेष करे बसे आछे, मने आरो जे बेसी बाड़ते पोड़ा मने टाका बेगर पारि ना, कॉलेज शेष करे बसे आछे। তারপরে এখন আবার অনেক কিছু মানে বাদল দাকে কিছু বলেছি, রোডে মানে এত জল হয়ে যায় কোমরে, মানে আমার সে জিনিস ফিনিস খাওয়া চাল ডাল মানে আনতে খুব কষ্ট, মানে এমন জল হয় মানে পেরোনো ঘর থেকে মানে স্বামী ঘরে বসে কাজ বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তা খারাপ রোড করা নেই, বাদল দাকে বলে 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 হারেন বলে ও ডোয়া পড়া যাবো না, ওই সব কাজ করবো না, তারপরে অনেক কিছু করে তারপরে এখনো। মেয়ের আছে, মেয়ের কাছে আপনার কোনোদিন যোগাযোগ করেছেন? হ্যাঁ, অনেক কিছু করেছি, মেয়ের কাছে গিয়েছেন? হ্যাঁ, কিচ্ছু করে নাই, পারে নাই, ভূত ঝামেলা অশান্তি অশান্তি ঝামেলা এত হয় পাড়ায়, কেউ আসে না, বদল দা কোনোদিন আসে নাই, তখন মোদিজি জিতে আমাদের খুব মানে মনে আনন্দ হয়েছে। যে কিছু ওনার সঙ্গে কি আপনার ইয়ে আছে, মেসেজ কি আছে, মোদিজি জিতে গেছে তাহলে কি চাইছেন ওনার কাছে আপনার? আচ্ছা, এইসব মানে একটু প্রবলেম জন্য চাইছি। হ্যাঁ, ছেলে বুঝে বসে আছে, কাজ নাই কিছু। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तो अब तो बाबुल जीत गए हैं, मोदी सरकार आ चुकी है, तो क्या लगता है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? हमारे कोशिश से होगा। अच्छा, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले से जो इन लोग का जो प्रॉब्लम था, जैसे वो महिला बोली कि सही बात बोली कि विधवा तो विधवा होती है, उनका कोई उम्र नहीं होता, लेकिन हम बहुत बार ऐसे गए हैं उनके ऑफिस में, बादल दा के ऑफिस में, तो उनके जब चेयर पर बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि विधवा पेंशन का मतलब है 40 बरस के बाद, अब वृद्धा का मतलब है कि 60 बरस के बाद, तो वृद्धा का तो छोड़िए, चल ठीक है आपका कानून है कि 60 बरस के बाद, लेकिन विधवा तो विधवा होती है। हाँ, बताइए, विधवा हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 20 साल का होकर विधवा हो गई हैं, तो उनको तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लेकर फिर आप लोग बात कीजिएगा बाबुल दा? हाँ, बाबुल दा से भी बात करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट कोर्ट में ले जा करके इन लोग का कागज वगैरह जो डॉक्यूमेंट से लेकर के जाके भरवाएं। अच्छा, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गरीबी है, लोगों को प्रॉब्लम भी है, तो क्या लगता है ये गरीबी कैसे दूर होगा? गरीबी देखिए, पैसे देने से तो दूर होगा नहीं, काम देने से दूर होगा, रोजगार देने से दूर होगा। रोजगार का शकल कैसे हो? रोजगार का शकल वैसे छोटा मोटा घर में, अगर मान लिया जैसे बाहर जगह में देखते हैं कि कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो किसी को बटन टांकने का काम मिल गया, सिलाई करने का काम मिल गया, जैसे हम लोग एक आशा किरण से जुड़े, तो अभी तक वो प्रोसेस में ही है, आशा किरण एनजीओ जो है, तो वो हम लोग को आकर के बोले कि हम आप लोग को घर में बैठे बैठे काम देंगे, तो किसी को सिलाई अगर है तो 12 जन का ग्रुप बना करके सिलाई का ही काम दे देंगे, अगर वो नहीं है तो चॉकलेट बनाने का ट्रेनिंग दे करके उसको काम देंगे, तो बिस्किट बनाने का देंगे, तो वो आशा किरण तो वो प्रोसेस में ही रहेगी। दिलासा भी तक बस दिला, बाबुल दा से तो बहुत उम्मीद है, हम लोग इस कोशिश की है कि जो पार्टी हम लोग करते हैं तो उसका एमपी फिर से जीत करके आए, तो हम लोग के लिए, हम लोग तो खाना नहीं मांगते हैं कि आप हमारे घर में आकर के खाना बना करके हमको दे दीजिए, बस हमारी महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो इस इलाके में खासकर कुलटी क्षेत्र में महिलाओं को क्या प्रॉब्लम लगता है, क्या चीज जो काम अब तक होना चाहिए नहीं हो पाया? सबसे बड़ी बात तो वही बात है। अच्छा, कि सबसे बड़े रोजगार है, एक एक पति के कमाने से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, पति भी कितने काम कर रहे हैं, एक मोटिया जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके इसको हटाने का हम लोग बहुत कोशिश किए, पहले कमा करके मोटिया लोग जो आए, ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग, लेबर के रूप में बहुत पैसे कमाते हैं, आते हैं सबसे पहले दारू दुकान में चले गए हैं, आधा पैसा वहाँ दारू पिए, कुछ पिलाए, कुछ मोटरी लिए बांधे, जो बचा सो ले जा करके पत्नी के झोली में डाल दिए,
तो सबसे बड़ा समस्या शराब का है। ये जो शराब दुकान खुला हुआ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सबसे ज्यादा समस्या है। इससे मैंने पूरा घर बिखर रहा, पूरा घर बर्बाद हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, पति जा रहे हैं शराब पी करके घर में तमाशा कर रहे हैं तो बच्चे भी डरे सहमे हैं, उन लोगों का पढ़ाई पर भी उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है। कुछ लेटर तो डेहडी में और यहाँ नया पाड़ा में कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था, तो चर्चा हो गया, तनुजा सिन्हा पूरा एकदम महान नेता बन गई है, लीडर बन गई है, सो पूरा दारू दुकान को बंद करवा रही है। उसके बाद पता नहीं फिर कैसे कहाँ जो ये लोग कमीशन लिए, कहाँ घुस दिए, कहाँ पैसे दिए, फिर से धरल्ले से चल रहा है दारू दुकान। अभी फिर महिलाएं अच्छा, आती हैं चैनल है, इस चैनल को सबको देखते हैं, हर पार्टी के लोग देखते हैं, ठीक है सब देख रहे हैं, तो इस चैनल से क्या मैसेज आप देना चाहते हैं उन लोगों के लिए, शराब के लिए वो लोग क्या करें कि जो औरतें का जो घर है बच जाए, जो घर अब टूट रहा। देखिए क्या बोले, उन लोग का सोच नहीं है, जो बेच रहे हैं उनका तो कोई विचार नहीं है, वो लोग अपना दुकान खोल करके बैठे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि मेरे कारण घर में किसी का कलह हो रहा है, किसी का घर का घर बर्बाद हो रहा है। एक खुद ही हम एक जो एग्जांपल है कि शराब के कारण हम खुद ही बहुत परेशानी झेले हैं, तो हम झेले हुए हैं जो, तो हम दूसरे महिलाओं के तकलीफ को हम जानते हैं, दूसरे के बच्चे को दर्द का एहसास है हमको, तो यही चाहेंगे कि ये हम लोग कोशिश करें कि अगर शराब बंद हो तो उसको कानून भी प्रशासन भी हमारा साथ दे। ये जो आपका अवैध जो कोयला है, शराब जो बिक्री हो रहा, इसको लेकर आप लोग क्या सोचे, क्या करेंगे? वही करेंगे, लाठी डंडा उठाएंगे और ले जा करके तोड़ फोड़ करेंगे। जो जो इनलीगल शराब का दुकान खोल करके बैठे हैं लोग, कमा रहे हैं, इनलीगल कमा रहे हैं, तो लाठी डंडा चार्ज हम लोग करेंगे, ले जा करके शीशी बोतल फोड़ेंगे। लोगों पर तो ये चला नहीं सकते हैं, खून खराबा हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो जो उनका सामान है उसी का नुकसान करेंगे। अच्छा, आपका आसपास में कितने दुकान होंगे, इलीगल दुकान? आसपास में तो दो हमारे पड़ोस में ही है। अच्छा, पूरा हर जगह मिल जाएगा? हाँ, हर जगह मिल जाएगा, और ये दो उधर में है। अच्छा, आप लोग इतना वोट से जीते हैं, इस जीत का कारण क्या, वजह क्या है? जीत का कारण वजह ये है कि हम लोग कुछ प्रधानमंत्री जी का से कुछ उम्मीद चाहते हैं कि जो भी उनका स्कीम है हमारे तक पहुँचे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी स्कीम वहाँ से लागू कर रहे हैं, ये हमारे बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी कुछ भी होने नहीं दे रही है, ये बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाए कि हम लोग बहुत दुखी हैं। सेंट्रल का जो स्कीम है वो स्टेट में लागू नहीं हो रहा, नहीं होने दे रहा है। कौन सा स्कीम लागू नहीं हो रहा? घर का है, जो का? घर का है, गैस का है, शौचालय का है, आवासीय का है, और जो भी लोन वगैरह का है, लोन भी नहीं हम लोग का पास हो रहा है। मानिए स्टेट और सेंट्रल के झगड़ा में आप लोगों को नुकसान हो रहा है, हम लोग का नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। आयुष्मान भारत का भी हो रहा है। अभी आप क्या, आपका क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट है ममता दीदी से, रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री लागू कर रहे हैं सभी के लिए, पूरे देश के लिए, वो हमारे बंगाल तक भी लाया जाए, हमारी महिलाओं तक पहुँचाया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए मैंने जो भी योजना हो रहा है वो लागू किया जाए। उज्ज्वला स्कीम का हम लोग को भारण नहीं दिया, इतना क्रेडिट करा करा के दिए नहीं दिए। फॉर्म कौन ने दिया आप लोगों को? वही नहीं दिया, जहाँ से लेता हूँ आप पत्ता पोता ले दिया। अच्छा, आप लोग फॉर्म भरे थे? हाँ, फॉर्म भरे। अच्छा, आप बोले तो क्या प्रॉब्लम हुआ गैस में, आप जब लाने का गैस तो चार बार दिए, जमा दिए, फॉर्म भरा कि कुछ आपको दिक्कत है, कुछ में मांग कर रहा है, वो नहीं पूरा हुआ है, अभी तक गैस आप लोग नहीं मिला? आप लोग फॉर्म कब भरे थे, कितने दिन पहले? हम लोग भरे थे जनवरी में, जनवरी 1 तारीख को भरे थे, हम 4 जनवरी को भरे थे। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, दो बार किए, बोला नहीं नहीं आया आपका नंबर, आप जाइए घर, जब आएगा तो। आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, आप बहुत अच्छे जीते हैं, क्या लगा आपको मंत्रालय और मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, तभी तो बंगाल में जोर शोर से काम होगा और हम लोग का जोर होगा। दो मंत्री से कुछ होने वाला नहीं है, काहे कि मुख्यमंत्री यहाँ की क्या बोले, बहुत ये ममता दीदी तो महान ममता दीदी हैं, तो उनके आगे दो का क्या काम होगा, दो से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने और बढ़ना चाहिए और मिलना चाहिए यहाँ। फ्यूचर में आपका क्या प्रोग्राम है महिलाओं को लेकर के? महिलाओं को लेकर के इन लोग को जो इन लोग का उम्मीद है, जो आशा है, जो हम इन लोग को बोल बात किए हैं इनसे, या इन लोग को जो विश्वास दिए हैं, जिस विश्वास पर हो करके हमारे साथ में जो रहती हैं लोग, और तो इनका विश्वास को पूरा करना है, इनका उम्मीद को पूरा करना है, बस मेरा लक्ष्य है, मेरा मकसद भी यही है कि इनकी जो देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की महिलाओं को संदेश क्या देंगे, देश की महिलाओं को यही संदेश देंगे कि अपने बच्चों को
अच्छा फ्यूचर, अच्छा शिक्षा, अच्छे संस्कार दें। बस सबसे बड़ी बात यही है कि आज हम अपने बच्चों को अगर अच्छा संस्कार, अपना अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं तो वो हमारा देश का काम आएंगे बहुत। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास करेंगे और आपका विश्वास हमको चाहिए। करा जाएगा।